छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले में बोरवेल के लिए खोदे गए गड्ढे में फंसे हुए राहुल को 100 घंटे हो चुके हैं। उसको बचाने का प्रयास अभी तक एनडीआरएफ कर रही थी, लेकिन अब जवानों ने कमान अपने हाथ में ले ली है। एनडीआरएफ को वहां से हटाकर अब सेना के जवान टनल में उतरे हैं। उनके साथ फोल्डेबल स्ट्रेचर, ऑक्सीजन सिलेंडर समेत आपातकालीन उपकरण हैं। ऐसा माना जा रहा है कि जल्दी ही राहुल बाहर आ सकता है। राहुल की मां और उसके परिजनों को भी एम्बुलेंस की तरफ ले जाया गया है। उन्होंने बताया कि अभी भी राहुल को बचाने में 3 से 4 घंटे या उससे ज़्यादा का समय लग सकता है। सवाल यहां बच्चे की जिंदगी का है। ऐसे में चट्टान तोड़ने के लिए सख्त रुख नहीं अपना सकते। वहीं दूसरी ओर राहुल की हालत अब बिगड़ रही है। उसके मूवमेंट का एक नया वीडियो अभी सामने आया है। इसमें राहुल सिर उठाता हुआ और रिस्पॉन्स देता दिखाई दे रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की ओर से भी ट्वीट कर कहा गया है कि सबकी दुआएं मासूम राहुल के साथ हैं। अभी इशारों में राहुल ने कुछ खाने की मांग की है। रेस्क्यू अभियान जारी है। वहीं चट्टानों से भी मजबूत इस मासूम बालक के साहस को सलाम है।